नेशनल मीडिया में मैं बता रहा हूँ गुलबर्गा के कितने सियासी लोग हैं जो डिबेट्स में हिस्सा लिए। मैं 70 से 80 डिबेट्स में मुझे पार्टिसिपेट किया गया, किसी का रिकमेंडेशन नहीं है, किसी का भी रिकमेंडेशन। पार्टी वाले बोले नहीं, उन्होंने खुद डायरेक्ट वहां के एक ग्रुप ने आइडेंटिफाई किया, नासिर उस्ताद बी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, इसको फोन कीजिए, बोले एक डिबेट के बाद दूसरे डिबेट, दूसरे डिबेट के बाद मुसलसिल आज भी ये इलेक्शन चल रहा है, रोज एक 4 फोन आ रहा है मेरे को, टाइम्स नाउ से आ रहा है, रिपब्लिक से आ रहा है, एनडीटीवी से आ रहा है। तो ये मसलियत खुदावंद है, कोई उसमें दूसरी नहीं है। अल्लाह सुभान व तआला मुझे सियासत में रख रहा है और इज्जत के साथ रख रहा है। दिल को इतना लगता है, बंदा 2 बार शिकस्त खा के आपके बीच अगर मजबूती से खड़ा है, इसका मतलब वो आपकी कौम के लिए खड़ा है। अब हालात ऐसे आ गए हैं, मुल्क के अंदर फिरका परस्ती आम हो गई है। हाँ, फिरका परस्ती और आरएसएस जो ना बहुत जबरदस्त ताकतें मुसलमानों के खिलाफ लड़ा रही है, इसलिए उनके मुकाबले में आने के लिए एक परजोश नौजवान की जरूरत है। अब वो नौजवान जो है ना, अब हमारे पास ढूंढना, हमने इससे पहले भी लगाया कि क्या नासिर भाई को कांग्रेस में लियो, कांग्रेस की भी सीट बच जाती है और नासिर भाई भी जीतते, मसाइल हल होते हैं, लेकिन वो भी कोशिशें कांग्रेस ने नाकाम कर दी, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा कैंडिडेट होना है कि उठो बोलो तो उठो, बैठो बोलो तो बैठो, और अगर तुम कुछ करना चाहते हैं तो भी हमसे पूछ के करो, उनका मसला ऐसा है। तो इस लिहाजा हमको मैडम से, उनके घर से एक पैसे की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हम नासिर उस्ताद के अंदर जो ना ऐसी खायदाना सलाहियतों को देख चुके हैं जो हमारे मसाइल को, यानी पूरे मुसलमानों के मसाइल को, चाहे मिल्ली हो, मजहबी हो, दीनी हो, सियासी हो, हर मसाइल को हमारे लिए लब्बैक कहते हैं। इसलिए मैं नासिर उस्ताद के हक में आप लोगों ने जो भी फैसला लिया है, आपकी बिरादरी को, सैयद बारे खानदान को, अलहाज मुकीम साहब सैयद बारे को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह सुभान व तआला मुझे सियासत में रखा है, वो उसकी मर्जी है, क्योंकि जिस तरीके से मेरे सामने जो मामला आए हैं, शिकस्त पर शिकस्त हो रही है, 2 शिकस्त। मेरे पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी मेरे वालिद, वो हमेशा मुझे हिम्मत दिया करते थे। शिकस्त होने के बाद मैं समझता हूँ गुलिस्ता इलेक्शन, मैं आपके बीच में बात थोड़ी सी अजीब लगे, क्योंकि आप लोगों के तसव्वुर में यह है कि नासिर बहुत हिम्मत वाला है, बहुत ताकतवर है, जुर्रत वाला है। पिछला इलेक्शन जब मैं हारा तो कसम से मैं बता रहा हूँ, मुझे 8 महीने तक नींद नहीं, जब भी मैं सोता, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी, 4 साल 3 साल बहुत मेहनत की, ज्वाइनिंग प्रोग्राम मिलना, 3-3 महीने में मेरे बीवी बच्चों को नहीं देखता था। इलेक्शन का रिजल्ट इतना खराब आया, मैं 2 नंबर पे था कमर साहब की हयात में, मैं चाहे तो सियासी कॉम्प्रोमाइज कर सकता था, मैंने एक सेकुलर पार्टी ज्वाइन कर बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, जबकि येडियुरप्पा साहब मुझे मुसलसिल 6-8 महीने तक बोल रहे थे कि मत जाइए आप, आइए हम तुमको इक्तदार में लाएंगे। मैं ये समझा कि मेरे इस कुर्बानी का, मेरे इस फैसले का मिल्लत सताइश करेगी और मेरे पीछे आके खड़े रहेगी, मगर अफसोस वो मामला दूसरा हो गया, खमर साहब का इंतकाल होना, वो सिंपति मोहतरमा को घर को जाके दावत देना। 8 महीने तक जब भी मैं सोता तो ये ख्वाब आता कि ऐसा इलेक्शन अभी चल रहा है, अभी मैं कोशिश करूं। कभी मेरे शिकस्त के बाद मैंने मेरे वालिद मोहतरम के चेहरे पे उसका दर्द, कभी उसकी कमजोरी महसूस नहीं देखा, कभी भी उनका चेहरा देखता तो मुझे हिम्मत आती है और मुझे हिम्मत देते क्या चल रहा है और सियासी क्या चल रहा है। पार्लियामेंट में वो कानून पास हुआ सुना क्या, जबकि सियासत से दिल उतर गया था, टूट गया था। उसके बाद फिर तो इलेक्शन लड़ना, शिकस्त होना, फिर उसके बाद CAA का मामला, एहतजाज हो रहे हैं, लॉकडाउन, मुझे स्टेट का माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट बनाया गया। मैंने नहीं मांगा था कुमार स्वामी साहब से, मैंने नहीं बोला मुझे चाहिए, मैं लॉबी करना उनके पास जाके इनके पास, डायरेक्ट कुमार स्वामी साहब ने कहा कि चलो बन जाओ, आप में सलाहियत है। नेशनल मीडिया में मैं बता रहा हूँ गुलबर्गा के कितने सियासी लोग हैं जो डिबेट्स में हिस्सा लिए हैं,
मैं 70 से 80 डिबेट्स में मुझे पार्टिसिपेट किया गया, किसी का रिकमेंडेशन नहीं है, किसी का भी रिकमेंडेशन, पार्टी वाले बोले नहीं, उन्होंने खुद डायरेक्ट वहां के एक ग्रुप ने आइडेंटिफाई किया, नासिर उस्ताद बी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, इसको फोन कीजिए, बोले एक डिबेट के बाद दूसरे डिबेट, दूसरे डिबेट के बाद मुसलसिल आज भी ये इलेक्शन चल रहा है, रोज एक 4 फोन आ रहा है मेरे को, टाइम्स नाउ से आ रहा है, रिपब्लिक से आ रहा है, NDTV से आ रहा है। तो ये मसलियत खुदाबंद है, कोई उसमें दूसरी नहीं है। अल्लाह सुभान व तआला मुझे सियासत में रख रहा है और इज्जत के साथ रख रहा है, शान के साथ। अब ये 6 महीने में क्या क्या मामलात हुए, टिकट के लेकर, वो लेकर, अफवाहें, और आज देखिए कर्नाटका में 13 MLA कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, हमारे पार्टी में 23, एक भी सीट पर कहीं पर भी जो कांग्रेस का मुस्लिम उम्मीदवार है उसके सामने मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं डाला गया, सिवाय नासिर सरोस्त, सिंगल कैंडिडेट नहीं है। ये इंफॉर्मेशन अवाम को नहीं मालूम, रिजवान अरशद जो कांग्रेस के MLA है उनके सामने मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस GDS ने नहीं दिया है। जमीर अहमद खान जिसे बहुत बड़े हमारे लीडर के खिलाफ बात करता है उनके सामने भी मुस्लिम कैंडिडेट थे, इमरान पाशा, उनको नहीं दिए। एक फैसला होता है कि कहीं पर भी मुस्लिम उम्मीदवार के सामने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं देना, मगर देखिए अल्लाह की शान, नासिर हुसैन उस्ताद को कुमार स्वामी साहब ने खुद कहा कि ये एक मुसलमानों के लिए, आपके कम्युनिटी के लिए एक वॉइस हो सकता है, एक आवाज बन सकता है। उनके दिल में, हमारे लीडर के दिल में जाना ये था ना, और उसके बाद ये जो मामलात हैं, अवामी बेदारी का प्रोग्राम शुरू हुआ, मेरे साथ में कई लोग थे, उन्होंने बोले भाई टिकट ही डिक्लेयर नहीं हुई, क्यों आप अवामी बेदारी कर रहे, फैसला ले लिए, चले गए। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि सैयद बारे फैमिली ये मानी जाती थी कि ये कमर साहब के साथ ही रहेंगे। आज यहाँ पर आप लोग मुखिम सैयद बारे साहब मुझसे कई ज्यादा जोश में वो हैं, कोई प्रोग्राम में रहते हैं तो वो हर एक बात को महसूस करते हैं और अपने जज्बात को बाहर निकालते हैं। हम बहुत सारी चीज उनसे सुनते बैठे हुए, तो इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले 10 तारीख मेरी ताकत तो नहीं है, जो भी हो रहा है अल्लाह सुभानहू ताला, हमारी और आपकी मेहनत होनी चाहिए, दुआएं होनी चाहिए, हिसाब किताब तिजारत मेरे पल्ले नहीं पड़ती, आप भी मत डालिए, क्योंकि आप बिजनेस कम्युनिटी हैं, सियासत तिजारत नहीं है। एक ही लफ्ज में हमारे गुरमीत सिंह साहब ने कहा 313 और 1000, सारी चीजों का लंबी तकरीर देने का नहीं, 313 जब 1000 का मुकाबला करते हैं तो हिसाब किताब नहीं दिया देखा गया। जब हिजरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के साथ, तो कुरैश ने ऐलान किया कि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ के लाएगा तो उनको 1000 ऊंट दिए जाएंगे फला। तो जब एक शख्स जो है ऊंट के भागता, क्या नाम हुआ जावेद आलम साहब, सुराखा इब्ने याशम, वो जब जाके मिलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि तुझे कंगन पहनाए जाएंगे, किसरा के खैसर और किसरा के कंगन, जब का सुपर पावर, आज जैसे अमेरिका के ऊपर हिंदुस्तान कब्जा कर लेगा कोई यकीन करेगा उसको, एक रियासत भी नहीं सऊदी, रेगिस्तान, और वो यकीन मान के चला गया। इसका मतलब यह था कि उसके हयात में ही उस पर हुकूमत होगी, मैं समझता हूं कि वही यकीन के साथ सहाबा ने
उस पर हमला भी किया, कब्जा भी किया और वो कंगन ला करके हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है जब माल गनीमत आया तो उसे याद करके बुलाया गया और उस कंगन को पहनाया भी गया। यकीन आपके दिलों में होना चाहिए, आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप जिसके साथ खड़े हुए हैं, आप जिस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं वो आज के हालात में सबसे बेहतर है कौम के लिए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए, मिल्लत के लिए। आपको यकीन है क्या? डाउट है? 100% यकीन है तो काम कीजिए, इंशाल्लाह ताला कामयाबी 100% मिलेगी। मुझे और दो जगह मीटिंग्स हैं, एक डॉक्टर्स की एक टीम बैठी हुई, मैं ज्यादा गड़बड़ करके निकलने तो ये होता निकल जाता था, मगर टॉपिक जरा लंबी हो गई, मैं भी थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं माजरत चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आगे आने वाले 10 तारीख तक शाम के 6 बजे तक आप लोग अपने आप को हम सैयद बारे हैं अलग ने आप ही नासिर हुसैन उस्ताद हैं समझ करके काम करेंगे। शुक्रिया। सलाम। मेरा दिल टूटने का एक ही रीजन था, मैं वहां पे मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ। माजिद भाई 30 साल से इन्होंने मुझे बहुत साथ दिया है, मेरे बड़े भाई की तरह है। हम लोग इमोशनल लोग हैं, जिंदा कौमें हैं इस हिंदुस्तान में दो कौम, एक सिख है एक मुस्लिम भाई। और ये कसम खुदा की ये दिमाग से काम नहीं लेते, दिल से लेते, इसीलिए अक्सर धोखा खाते हैं। हम लोग दिल से ज्यादा सोचते हैं। आज दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल भी करना है, क्योंकि दिल कहता है कि नासिर चाहिए तो दिमाग भी कहना चाहिए कि वाकई नासिर चाहिए। उस गुनाह से बचिए। अगर आपको ये लगता है कि नासिर आप मेरा छोटा भाई है, मैं आज फख्र से कहता हूं, हम चाहे कांग्रेस में थे तब भी यही बात करते थे कि इंसान इतना इमोशनल पर्सन, इतना दिल से सोचने वाला, इतना कौम का। मेरे को एक बात बताइए, उन्होंने डिग्री लिया, इंजीनियर है, उन्होंने चाहता तो दुबई जा सकता था, आउट ऑफ कंट्री जा सकता था, करोड़ों रुपए कमा सकता था, उसको क्या जरूरत है कि अपना पैसा खर्च करके यहाँ पे आप लोगों के लिए लड़ रहा है, अपनी जान हथेली पे रख के। मुस्लिम चौक का मामला लो, अलंग का लो, हमारे सुपरमार्केट मेबस मस्जिद का, ये कौन खड़ा हुआ था? मेरे को तो नहीं नजर आता कि कोई बीजेपी या कोई कांग्रेसी या कोई अन्य दल का कोई आदमी वहां पे खड़ा हुआ। सियासत हारने के बावजूद आप ये सोचिए, जीते हुए कैंडिडेट का फर्ज था वहां खड़ा होना, लेकिन वह न होके एक हारा हुआ, दो बार जो शिकस्त का मुंह देखा है। दोस्तों हार बहुत, अगर हम एक स्कूल में अगर एक एग्जाम देते हैं, एक पर्चा है, अगर फेल हो जाते हैं, मेरी बात चुलबुल साहब समझते हैं कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। दिल को इतना लगता है, बंदा दो बार शिकस्त खा के आपके बीच अगर मजबूती से खड़ा है, इसका मतलब वो आपकी कौम के लिए खड़ा है, वो आपका भला चाहता है, वो आपका बुरा नहीं चाहता, क्योंकि जो गिर के उठता है वही मर्द कहलाता है। आज मुसलमानों के हक के लिए लड़ने वाला कौन है ये बताइए। पिछले 5 साल में हम भी देख रहे हैं, हम ही मैंने ही बहुत, मेरे ख्याल स्टार कंपेनर था मैं, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ? क्या आपकी उम्मीदें पूरी उतरी? क्या आपके घर में वो सारे सुख सुविधाएं आई जिसके लिए आप वोट देते? वोट अधिकार आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आप मालिक हैं इस देश के, किसी की गुलामी में जिंदगी नहीं है। तो आज आपके बीच में अगर कोई कृष्ण के रूप में है, कृष्ण ने हथियार नहीं उठाए थे, ये तो हथियार उठाने वाला कृष्ण आपके साथ है, आपका सारथी के रूप में आपकी कौम का नुमाइंदगी कर रहा है, और मुझे यकीन है कि वो आपकी कौम का भला करेगा, साथ में दूसरी कौमों का भी भला करेगा और सबको लेके चलेगा। मेरा एक ही निवेदन है, आपके मोहल्ले में ये मोहल्ले की मीटिंग, आप अपने मोहल्ले में अपने घरों में वोट जरूर डालिए, पूरी फैमिली को। जैसे हम किसी के घर में किसी की दावत में जाते हैं तो विद फैमिली लिख के आता है कार्ड पे, या कोई फोन पे भी बोलता है तो पूरी फैमिली जाते हैं बिरयानी उड़ाने या जो भी ऐश करने। लेकिन ये जो मामला है, मैं हाथ जोड़ के एक सिख भाई आपसे निवेदन कर रहा है कि अपने पूरे परिवार को जितने भी वोट है, एक भी वोट जाया मत होने देना, बटने मत देना, बट जाओगे तो टूट जाओगे, बटना मत, टूटना मत, बस मजबूती के साथ नासिर भाई को जिता के लाओ। एक मौका दो,
अगर आपकी उम्मीदों पे वो खड़ा नहीं उतरता, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि दूसरी बार उसको वोट मत देना। मैं बोल रहा हूं सिख कौम का बिल भाई अगर आपसे ये बात कर रहा है तो उसका कुछ तो यकीन पक्का होगा। इतनी अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ तो हम लोगों ने भी सोचा होगा, क्योंकि हम इस देश का भला चाहते हैं, शहर का भला चाहते हैं और आपकी कौम का भी भला चाहते हैं। इन्हीं बातों के साथ बस आखिरी में यही निवेदन है कि 10 तारीख के दिन घरों से निकलिए, वोट देके मेरे भाई को विजय दिलाइए। जय हिंद, जय कर्नाटका। सलाम अलैकुम।